2013 में जिस प्रकार भारी बारिश हुई उससे पूरा देश प्रभावित हुआ है। इससे हमारा जिला बुंदेलखंड ललितपुर भी अछूता नहीं रहा है। यहाँ पर पूरे गांव में 12 घर गिर चुके हैं, जिसमें से ओमकार सिंह का घर और मेरा घर भी शामिल है। मैं शंकरलाल और ये मेरा समुदाय। ओमकार सिंह छिल्ला के निवासी है। मकान कैसे गिरा आपका? पानी बरसात से, बरसात हुई जोर से। ये कई मकान है, इसमें सब लोग बस इतना गिर गया, एक मकान थोड़ा रहेगा, उसमें सब अनाज रखा है। सब लोग परिवार उसमें पार्टी भी करते हैं। तीन लड़का है, तीन बंगे हैं। पॉलीथिन तान के आपने खाना बनाने की व्यवस्था की है? हाँ साहब, हम सरकार से मदद चाहते हैं कि हमारा मकान बनाया जाए। ये मकान कब गिरा? 5 दिन पहले। मैंने रखा था गेहूँ, चावल, कपड़ा और बर्तन वर्तन सब दब गए। इसी में हमारे परिवार में 5 जने हैं। जी चाहते हैं कुछ मदद मिल जाए तो बना लें इसके लिए। कहाँ से मदद मिलेगी? सरकार से। ये मकान आपका कैसे गिरा साहब? ऐसी वर्षा कहूँ देखी नहीं है इस साल में, इतनी वर्षा भाई, वर्षा के कारण। क्या करते हैं आप? हम खेती कर। तो आप क्या, उस फसल की स्थिति? फसल तो खराब हो गई साहब, पीली पड़ गई पूरी। तो अब क्या करोगे आप? क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे, क्या करेंगे? हम लोग 7 लोग हैं, 5 बच्चे हैं, 2 हम लोग हैं, 3 बच्चियां हैं, 2 बच्चे हैं। मैं चाहता हूं कि जिन परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उन परिवारों को जांच करके उचित मुआवजा दिया जाए। वीडियो देखने वाले दर्शकों से अनुरोध है कि आप लोग जिला अधिकारी ओपी वर्मा के नंबर 9454417549 पर कॉल करके आप लोग दबाव बनाएं और मुआवजा दिलाने की मांग करें। मैं शंकरलाल रैक्वार, बुंदेलखंड क्षेत्र ललितपुर से, इंडिया अनहट के लिए।